नीता नगरी इज ब्रॉट टू यू बाय माय स्टोर हब हर स्टोर ऑनलाइन कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है हम हो गए ऑनलाइन हम हो गए ऑनलाइन आ गया है माय स्टोर ऐप ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करें सिर्फ पंद्रह सेकंड में माय स्टोर अब हर स्टोर ऑनलाइन नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सिफारिश जिसमें वरिष्ठ पत्रकार निकल हैं ने <laughs> क्या बताएं क्या हुआ आ सिफारिश तो मैं मतलब वो जो पहले ही कर दिया एक तो मैं चाह रहा था कि हमारे तमाम पुलिस फोर्सेस मतलब यही जो मिल नहीं रहे हैं कोमल शर्मा टाइप लोग तो अपने खाली टाइम में शलॉक होम्स वगैरह पढ़ा करें उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा पहली चीज दूसरी चीज अब दर्शकों के लिए ये कि रॉबर्ट लुडलम ने बॉन्ड टिलेजी लिखी थी बहुत लो, मतलब लोगों ने फिल्म बहुत देखी लेकिन आप किताब भी पढ़ सकते हो या आपको फिल्में नहीं आप किताब उतना पढ़ना नहीं पसंद करते मेरे जैसे हो तो आप फिल्म्स देख सकते हो तो आपने किताब पढ़ ली है नहीं मैंने फिल्म्स देखी है और बता रहा हूँ तो लोडलम ने 80 में लिखना चालू किया था पहली बोन आइडेंटिटी है दूसरी सुप्रीमेसी और तीसरी अल्टीमेटम है इसी ऑर्डर में फिल्म भी बनती है मैट डेमन जब बनाते हैं और सबसे अच्छे स्पाई नॉवल्स में गिना जाता है सौरभ इसको ये फिक्शन है और बड़ी एक मतलब इंट्रींग कहानी है एक इंसान मतलब उसको अलग अलग चीज़ों का भान होता रहता है उसको समझ में नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है फिर वो मेमोरी से उसको आता है कि वो एक सियाही ऐसा था बड़ी हाँ मैंने देखी है पहले उसकी फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए मैं तो क्योंकि पढ़ने में हो आप बना हाथ कमज़ोर है फिल्म आप इसलिए देखिए क्योंकि बोन ट्रिलेजी आती है उसके पहले भी हमने स्पाई मूवीज देखी थी उसके पहले भी हमने एक्शन देखा था लेकिन केस को उस तरह से पर्दे पे बहुत कम जगह पे दिखाया गया जहाँ पे आपको एक उसमें कंटिन्यूटी भी मिल रही है हमारे यहाँ एक्शन सीन्स में बहुत दो बहुत जनरल तरीके थे एक आप मतलब उसकी ज्योग्राफी स्टेबलिश करके आप ऊपर से दिखाते हो क्या हो रहा है कार चेज वगैरह हो रहा है और फिर कुछ के, कट, कट 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 ये आजकल की फिल्मों पर बनता है तो मुझको वो दोनों पसंद नहीं आता तुम ये कह रहे हो हमको ध्यान आ गया हमको बचपन में लगभग डिप्रेशन हो गया था हम किसी को मुक्का मारते थे ढिसुम की आवाज़ नहीं आती थी और वो फिल्मों में दिखाते थे ढिसुम तो मैं कह यार मेरा मुक्का का कम से छोटा था तो मैंने उसको दो तीन पहल दिए लड़ाई हो गई एक लड़के से कंची खेल रहे थे हम लोग दो तीन धड़ धड़ दिए और फिर तीन के बाद में अगले तीन इसलिए मार रहा था कि इससे आवाज़ क्यों नहीं आ रही ढिसुम की क्योंकि फिल्मों में तो वो ढिसम दिशुं। फिर बाद में मेरे भाई मेरे भाई ने पहले तो हमको होंखा कि तुम तो ये क्या कर रहे थे फिर बोला तुम तो जब वो लौट गया था और उसने तो भाई कंचे लौटा दिए तो फिर भी क्यों मारते रहे जब मैंने उसको बताया ढिशुम तो उन्होंने एक लप्पड़ दिया फिर बोले गधे वो फिल्में हैं फिर उन्होंने समझाया हमको उस दिन उन्होंने बड़े विस्तार से मैं छह साल का रहा हूँगा कि बेटा देखो ये जो उसके पहले तो मुझे लगता था कि टीवी के अंदर कुछ लोग घुसे हुए हैं जो चल रहे हैं कुछ कुछ कर रहे हैं चीज़ें उन्होंने कहा कि बेटा ये फिल्म होती है ये ऐसे अलग होता है वो करके थोड़ा बहुत हमको समझ में आया तो ट्रिलर में आपको ये चीज दिखेगी कि आप जो दो कैरेक्टर्स हैं जिनके बीच में कुछ कफल चल रहा है तो उस टाइम का जो उस मोमेंट का जो केस है उस टाइम का जो अनीज़ है वो आपको कैमरे पे दिखता है और बहुत लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की जब ये तीन फिल्में आ गई मैड डेमिन की है ना टू और

वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाली चीज है कि वो जब तक के जॉर्ज आर मार्टिन लिखते रहे और उनकी किताबों का साथ रहा उसके बाद फिर वो कंडम हो गया तो यही चीज मुझको बोन के बारे में भी लगती है मेरी पहली रिकमेंडेशन है ये ये सुन लीजिए ये एलिट जमात का यही रोना है जब हम मतलब हमारे पास पहले रेडियो लेंगे फिर हम रेडियो लेके आएंगे फिर फोन लेंगे फिर हम फोन लेके आएंगे फिर बोलेंगे नहीं 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 फोन इज नॉट कुलेंगे आप और आप कई लोग कहते हैं कि कैसे पढ़े तो कैसे पढ़े का ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि मोबाइल से दूर ठीक है और दूसरा ये जैसे कहीं दूर अपने घर में धर लो इसको एक रेडियो है मैं पिछले दिनों उज्जैन गया था महाकाल दर्शन करने के लिए तो हमारे वहाँ मित्र हैं कम्युनिटी रेडियो चलाते हैं उन्होंने दिया तोहफे मंगवाया था उन्होंने तो बढ़िया ये छः सात इसमें आते हैं फून और मैं इसमें वो जो आकाश ये आकाशवाणी है mm. तो अपना उसमें आपके समाचार रिकैब होता है थोड़ा रेट्रो फील भी आता है अब आप कहोगे इसमें पॉडकास्ट वगैरह सुन लो वो सब है इसमें भाई साहब लेकिन जैसे ही ये आपके करीब आता है आपकी उंगलियाँ मचलती हैं दस जगह क्लिक करने के लिए तो आपको मोबाइल से दूर रहना है और आपको ये अभ्यास भी आप गाना आता रहे कुछ आता रहे तो इसको सुनिए मैं सुबह सुबह जो वो सुबह के फील के लिए काम हो रहा है पानी गर्म हो रहा है अखबार पढ़ा जा रहा है कुछ सब्जी कट रही नाशा नो तो ये अपना एक किनारे धरा चलता रहता है बड़ा अच्छा लगता रहा है आपने कभी तैयारी के, के टाइम नोट्स लिए हैं क्या आकाशवाणी के समाचार के या उसके बहुत लड़के करते हैं लेकिन मेरी एक आदत थी मैं चौथी कक्षा से मेरे दिन की शुरुआत अखबार से होती थी मतलब तो मेरी एक फोटो भी अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको दे दूंगा उस उसमें पड़ी हुई है शायद इंस्टाग्राम पे हाँ मतलब मैं साढ़े चार पाँच बजे उठ जाता था मैं बार बार जाके देखता था उस दरवाजे पर अखबार आया कि नहीं अखबार आया नहीं मैं चार छः बार देखता था तो अखबार आता तो वहीं बैठ के पढ़ने लगता था तो अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनको अखबार पढ़ने की या पत्रिकाएँ पढ़ने की आदत नहीं है तो ज़रूर डलवाइए बहुत अच्छी आदत है आप अखबार पढ़ते हैं रोज़ हाँ मैंने मार्क खाई है अखबार पढ़ने के लिए गुड थैंक यू अंकल जी मतलब <laughs> <laughs> तुमने तो किसी भी तरह की मार खाई हो अंकल से मैं बड़ा हमारे यहाँ केबल उनको पता था कि टीवी देख उसको टीवी पे कुछ देखना नहीं है तो वो पेपर बंद कराते थे तो मेरे मम्मी के चाचा जी का घर था पास में उनके यहाँ पेपर आता था तो फिर उनको वो पकड़ा तो वो उनके यहाँ का भी अखबार वो बंद आने लगे ये यूनिट टेस्ट और एग्जाम्स वगैरह के पहले हवा महल आता है वो जरूर देखा करिए हाँ सुना करिए करीग, माफ करिएगा सॉरी और ये ये कलम है आपके पास स्याही वाले पेन है हाँ आप उनका निरंतर इस्तेमाल करते हैं नहीं निब वाले पेन से लिखा करिए उससे आपका सुलेख अच्छा रहता है ठीक है हाँ सर पापा भी मतलब ये सब कह, कहते ही हैं लेकिन अब वो पर तुम मानते तो हो नहीं मेरे है घर पे भी और यहाँ भी है पर तुम तो अच्छी बातें मानते क्यों नहीं हो ठीक है सर मैं आपकी बातों पे भी अमल करने की कोशिश कर ही रहा हूँ चलिए ये मैंने पिछले दिनों बनारस गया था बड़ा अद्भुत अनुभव था आ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि धार्मिकता बड़ा निजी मामला है धार्मिकता और अध्यात्म वगैरह लेकिन मैंने बहुत सुन रखा था अलग अलग लोगों से कि आ, काशी विश्वनाथ की मंगला आरती हाँ तो वो मैंने पहली दफ़ा अटेंड की और उसको अटेंड करते वक्त मुझे लग रहा था एक चीज़ तो ये कि हमारे यहाँ जो हवन में चीज़ें डाली जाती थी उसके पीछे भाव ये रहता होगा कि आपका पोषण करती हैं या जैसे अभी लोहड़ी में आग में डाली जाती है फसल आप समर्पित करते हो तो आप खुद भी खाओ होता क्या है कि आप शहद देवता को चढ़ाओगे खुद नहीं खाओगे शहद बहुत अच्छा है सेहत के लिए तो अगर आप शहद खा सकते हैं आपकी क्षमताओं के अंदर है आप गांव द्वार से जुड़े हैं तो शहद ज़रूर मंगवाइए और खाइए बाजार में जो शहद उपलब्ध हैं उनको लेके देहात में तो बढ़िया मिलता है शहद हाँ। ये हमारी तो जो भी आपके गांव देहात के दोस्त यहाँ जहाँ शहद जरूर खाइए अपने यहाँ शहद बहुत चढ़ाया जाता है इसीलिए तो वो सब भाव आ रहे थे और भस्म और अग्नि का जो भाव कि आप हमेशा नश्वरता गुरूर में ना घूमते रहो सब पे लठ ना भाजते रहो सबको गाली ना भगते रहो जीवन नश्वर है खत्म हो जाओगे और उस बनारस यात्रा से जब आ रहा था तो मेरी इनमें बड़ी दिलचस्पी है ये जिदू कृष्ण मूर्ति है इज अ वंडरफुल टीचर इनके लिए वो वर्ड भी चलता है इनको आप जरूर पढ़िए आप भी भाई साहब जय कृष्ण मूर्ति तो ये कृष्ण मूर्ति फॉर बिगनर्स मैंने पढ़नी शुरू की है और मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आपको जय कृष्ण मूर्ति को जरूर पढ़ना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र ये सुनील आंबेकर हैं आरएसएस के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे और अभी शायद अड्डा पे इंटरव्यू किया था तो हाँ, तो ये ये किताब तो अंग्रेजी में आई थी तो कई लोगों ने ये कहा था कि हिंदी में हाँ, हिंदी में तो हिंदी में ये किताब आई है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा से है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में तो अगर आपको संघ को पसंद करना है या संघ की आलोचना करना है दोनों ही केसेज में या दोनों नहीं करने जानना है तो आपको संघ से जुड़ी चीजें भी पढ़नी चाहिए जैसे विजय त्रिवेदी की किताब का मैंने जिक्र किया था संगम शरण गच्छा में सुनील आम्बेकर की किताब है इसको प्रभात प्रकाशन ने छापा है ये मेवरिक मसीहा ये पेंगुइन से छपी है रमेश कंडूला ने ये पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखी है एन टी रामा राव की बहुत दिलचस्प पॉलिटिकल कैरेक्टर हैं थे एन टी रामाव और रमेश कंडूला जर्नलिस्ट रहे हैं हैदराबाद बेस्ड ये किताब मैं पढ़ने का इरादा रखता हूँ मुझे पॉलिटिकल बायोग्राफीज बाय पढ़ने में या ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ने में बड़ा सुख मिलता है एन टी की एक तस्वीर है एयरपोर्ट के सोफे पे अकेले लेटे हुए हैं है ना वो गए एन टी ने किस तरह से कांग्रेस को ध्वस्त किया लोग कांग्रेस वाले बड़ा हल्के में लेते थे उनको जब उन्होंने बयासी तिरासी ऐलान किया हम पार्टी बनाएंगे तेलुगु देशम और चैतन्य रथम वो मेटाडोर पे जो मेटाडोर का और रथ का कंसेप्ट आया रथ यात्रा का अच्छा वो एन टी रामा राव से आया ये देखिए एक तस्वीर भी बनी हुई है है ना इसमें रथ पे बैठे हैं पीछे गाड़ियाँ चैतन्य रथम कहा जाता था और ये फिल्मों में उस तरह के रोल भी करते थे ज़्यादातर ईश्वर वगैरह के और एक साल में इन्होंने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को ध्वस्त कर दिया उसके बाद यहाँ हिमाचल के एक बड़े नेता हुए रामलाल वो वहाँ गवर्नर बन के गए थे और ये बाहर इलाज कराने गए उन्होंने डिफेक्शन वेक्शन करवा के थोड़ा बहुत शपथ दिलवा दी रेड्डी साहब को है ना ये वापस आए इन्होंने धरना प्रदर्शन अपने सब विधायकों के साथ किया तब की तस्वीर है कि वो एयरपोर्ट पे लेटे हैं अकेले अच्छा हाँ तो वो बड़ी आइकोनिक तस्वीर है और बाद में इनके साथ जो होता है बिल्कुल आपको लगेगा कि एक राजनैतिक वो कि इनके ही परिवार के लोग इनसे अलग हो जाते हैं और चंद्र नायडू के नेतृत्व में जो एक फैमिली पॉलिटिकल कुछ बिल्कुल आपको लगेगा कि एक फिल्म चल रही है सो आई एम रियली इंटरेस्टेड उन्नीस सौ चौरासी में इफ माई मेमरी वेल तेलुगु देशम पार्टी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी यस तो ये सब चीज़ें पढ़ूंगा ये आखिरी किताब है एस विजय कुमार की किताब है जिसका हिंदी में अनुवाद है मूर्ति चोर इसे मंजुल प्रकाशन ने छापा है मूर्ति चोर को भारतीय मंदिरों को लूटने की सच्ची कहानी एस विजय कुमार किताब अनुवाद महेंद्र नारायण सिंह यादव का है तो जो द आइडल आइडल थीफ करके जो बुक आई थी उसका एडिशन है आ, इसमें बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर भारत में गिरोह सक्रिय हैं जो भारत की विपुल सांस्कृतिक संपदा को लूटते हैं कैसे विदेशी बाज़ारों में बेची जाती है किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं उनको पकड़ने के और हमारी धरोहरों को वापस लाने के बहुत बदनाम और बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ब्रिटिश म्यूजियम है वहाँ पे वो पूरा चोरी से भरा हुआ है ठीक और हमारा नहीं पूरा पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ उनका शासन और जुल्म रहा चाहे अफ्रीका हो चाहे सब जगह के लूट के लूट पूरी समृद्धि यहाँ का हो ठीक है बहुत समृद्धि आधी से ज्यादा मूर्तियां जो आपको उनका ऐसा ये रेयर कनेक्शन में उनका आपको मिलती हैं और ब्रिटिश म्यूजियम का मुझे अभी नाम याद है दो तीन और म्यूजियम्स हैं यूरोप में वो सा, बहुत सारा माल वहां चोरी का है जो ब्रिटिश सरकार ने चोरी किया और अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे उनका पूरी बेशर्मी से दबाए बैठे हैं वो चलिए शर्म बेशरम सब चलता रहेगा इस दुनिया में और चलती रहेगी नेता नगरी शुक्रिया हम तो कोई ज़माने में इस नमक की वजह से गांव छोड़ के भागने वाले तो ये तो पता नहीं था कि ये इतना पॉपुलर होगा कि दुनिया यहाँ आएगी इस वक्त दी ललन टॉप पहुँचा हुआ है रन ऑफ कच्छ जो वाइट रन है वो वर्ल्ड में दो जगह फॉर्म होता है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेज है धन कस्थ गुजरा